नमस्कार, एग्रोस्टार से मैं ओम शर्मा। आइए देखते हैं कपास की फसल में लगने वाली फल छेदक इल्ली या अमेरिकन सुंडी के बारे। इसकी जो लतें होती हैं हरी भूरी और बादामी और हल्के काले रंग की, दो लंबी धारी लिए हुए 1 से 45 मिलीमीटर लंबाई की होती है, जो कि पौधे के कभी कभी फलीय भाग उपलब्ध नहीं होता है तो उसकी पत्तियों को खाकर गोल गोल छेद करके नुकसान पहुंचाती है। और ये जब कपास पौधे पर टिंडे आ रहे होते हैं तो उन टिंडों को अंदर घुसकर उनको क्षतिग्रस्त करती है और करने के बाद में वहां से टिंडों के बाहर से मल मूत्र का त्याग निकालती रहती है। इसके कारण अपने टिंडों की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आती है और हमारी फसल में काफी नुकसान देखने को मिलता है। इसका जो सक्रिय काल रहता है वो मध्य अगस्त से लेकर अक्टूबर तक ज्यादा रहता है। अगर यह इल्ली आपकी फसल में दिखाई देती है तो इस कीट के लिए रासायनिक नियंत्रण के लिए आप पावर ग्रो कंपनी का अमेजेक्स, जिसमें इमामी बैक्टीरियल बेंजोएट 5% एलजी फॉर्म में आता है, इसकी आप 8 से 10 ग्राम मात्रा प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव करें, या आप धानुका कंपनी का कवर जिसमें क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5%, इसकी आप 60 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। अगर आप इस तरीके से छिड़काव करते हैं तो इससे इस कीट का प्रकोप आपकी कपास की फसल में कम दिखाई देगा और इससे आपको एक बेहतर और अच्छी फसल दिखाई देगी।